हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेनेली की अपकमिंग बाइक बेनेली TRK 251 के बारे में। ये बाइक इंडिया में कब लॉन्च होगी, प्राइस क्या होगा, माइलेज क्या होने वाला है, कौन कौन से फीचर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हाल ही में बेनेली ने इंडिया में अपनी दो बाइक को लॉन्च किया था, बेनेली TRK 502 एंड TRK 502X, और इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो करीबन 5.83 लाख तक पड़ जाता है। इसके हाई प्राइस के वजह से मैक्सिमम लोग इस बाइक को नहीं ले पाते हैं। आप और हम जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ये बाइक पसंद है, बट ये हमारी बजट से बाहर हो जाता है। इंडिया में टूरिंग के हाई डिमांड के वजह से मैक्सिमम बाइक कंपनी अपनी एक मिड सेगमेंट की बाइक लॉन्च कर रही है। बेनेली भी अपनी एक मिड सेगमेंट टूरिंग बाइक को लॉन्च करने वाली है इंडिया में बहुत जल्द, जिसका नाम बेनेली TRK 251 है। बेनेली की ये सबसे कम सीसी की बाइक होने वाली है। इससे पहले बेनेली की सबसे कम सीसी की 300 सीसी की बाइक हुआ करती थी। TRK 251 में आपको मैक्सिमम चीज़ें सेम मिलने वाली है जो TRK 502 में होती है। ट्यूरिंग में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली 250 सीसी से लेकर 400 सीसी की बाइकें होती है। कुछ टाइम पहले बेनेली TRK 251 को यूरोप में लॉन्च कर दिया गया है और अब इस बाइक को इंडिया में लॉन्च करने का प्लान हो रहा है। इंडिया में ये बाइक अक्टूबर के मंथ में लॉन्च होने वाली है। तो अब जो लोग भी अपनी बजट के वजह से TRK 502 को नहीं ले पा रहे थे, अब वो वही मज़े TRK 251 को लेकर कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो TRK 502 से काफ़ी कम होने वाला है। प्राइस के बारे में मैं वीडियो को एंड में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। बेनेली TRK 251 सीधे टक्कर देती है BMW की G310R को और अपाची की RR310 को। उसके बाद ये KTM की Duke 250 को और बजाज की Dominar 250 को भी टक्कर देती है। इसमें आपको 249cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर DOSC FIBS 6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा, जो 9250 RPM पे 25.8 HP की पावर और 8000 RPM पे 21.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर देती है। इसमें आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स भी देखने को मिल जाएगा। अगर लुक की बात करें तो ये TRK 502 से काफी हद तक मिलता जुलता लुक तो है ही, बट इसके साथ ही इसका अगर हेडलाइट को देखें तो ये डुगाटी के मल्टी स्ट्रेडा 950S से भी काफी हद तक मिलता जुलता लुक है, जो कि एक प्रीमियम बाइक है मल्टी स्ट्रेडा डुगाटी की, जो 9 लाख की बाइक आती है। TRK 251 में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। फ्रंट में 280mm का पेट्रोल डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, रियर में 240mm का डिस्क पेट्रोल देखने को मिलेगा। मस्कुलर पेट्रोल टैंक के साथ आपको इसमें 17 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगा। रिजर्व के लिए 2 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी बनाया गया है। इसमें आपको सर्टिफाइड माइलेज 24.39 किलोमीटर पर लीटर का देखने को मिलने वाला है। साथ ही इसमें आपको स्लीपर क्लच भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट में 110x70 ZR17 और रियर में 150x60 ZR17 के टायर देखने को मिलने वाला है। फ्रंट में 41mm का USD फोर्क और रियर में मोनोशॉक और जर्वर को लगाया गया है। इसके साथ ही अगर इसके बेस की बात करें तो स्टील ट्रेलेस इन स्टील ट्यूबलेस फ्रेम पे बेस होने वाली है बाइक। ओवरऑल लेंथ 2100mm, व्हील बेस 1425mm, सीट हाइट 835mm और ग्राउंड क्लियरेंस 200mm है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ट्यूरिंग के हिसाब से इतना होना चाहिए। TRK 251 का कार्गो वेट 153 kg होने वाला है और वेट इसका लाइट वेट है, तो अगर आप ट्यूरिंग में कहीं आपकी बाइक स्टक हो जाती है तो आपको इसको निकालने में थोड़ा इजीली होगा। लाइटिंग सेटअप की बात करें तो डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प इसमें दिया गया है और इंडिकेटर में LED का यूज किया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो फुल्ली डिजिटल कंसोल मीटर देखने को इसमें मिलने वाला है, क्योंकि इसमें फुल्ली डिजिटल कंसोल मीटर का यूज किया गया है। दोस्तों, इसके प्राइसिंग के बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए अब हम इसके प्राइसिंग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अगर इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बेनेली जब ये बाइक इंडिया में लॉन्च करेगी तो इसका एक्स शोरूम प्राइस 2.5 लाख का होने वाला है। तो ये थे बेनेली की अपकमिंग स्पोर्ट टूरिंग TRK 251 के कुछ डिटेल्स। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये बाइक आपको कैसा लगा, क्या आप इस बाइक का वेट कर रहे हैं, क्या आप इस बाइक को लेने वाले हैं, क्या कुछ आपको इस वीडियो में पसंद आया, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही बाइक रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब से पहले वहाँ पे जो भी अपडेट होता है सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।